जैसा कि हम सबको पता है, इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और इस इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए चाहिए पावर। बिजली आई, बिजली मिली, अरे सत्ता वाला पावर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर। अभी कुछ ही साल पहले कोविड वेव आया और डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और बहुत सारे फ्रंटलाइन स्टाफ ने हमारी बहुत मदद की। हम सब ने उनका थैंक यू भी कहा, लेकिन शायद हम कुछ लोगों को भूल गए, और वो है पावर प्लांट इंजीनियर्स एंड वर्कर्स। तो आज के टेक थर्सडे के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो थर्मल पावर प्लांट काम कैसे करता है? सबसे पहले कोल की माइनिंग होती है और उसे माइनिंग एरिया से रेलवेज के थ्रू पावर प्लांट तक पहुंचाया जाता है। अब कोल को रेलवे से अनलोड किया जाता है और उसी कोल को कन्वेयर की मदद से पावर प्लांट के अंदर स्टोर किया जाता है। अब यहीं से शुरुआत हो चुकी है कोल हैंडलिंग सिस्टम की। सबसे पहले कोल को पावर प्लांट के अंदर स्टोर किया जाता है। अब वहां से फीडर यूनिट की हेल्प की मदद से कोल को पल्वराइजर में फीड किया जाता है। पल्वराइजर के अंदर कोल को एक बड़े से वेसल में कलेक्ट किया जाता है और बड़े बड़े ग्राइंडिंग व्हील्स से कोयले का पाउडर बना देते हैं, कंसिस्टेंसी लाइक बेबी पाउडर। अब पाउडर सुन के ठंडा ठंडा कुल कुल याद आ गया ना, पर ये पाउडर ठंडा नहीं करेगा, गर्मी पैदा करेगा। अब उस फाइन पाउडर्ड कोल को वार्म प्राइमरी एयर के साथ 140 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का करके बॉयलर में भेजते हैं। इस फाइन पाउडर को बॉयलर में बर्नर लाइंस के थ्रू भेजा जाता है। जब कोल पार्टिकल्स बर्नर में चले जाते हैं तब वो सेकेंडरी एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और प्री हीटिंग हो जाती है उनकी अराउंड 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। दिस प्री हीटिंग इज डन टू सपोर्ट कंप्लीट कंबर्शन ऑफ कोल इनसाइड द बॉयलर। द कंबर्शन ऑफ कोल कन्वर्ट्स इट्स केमिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी एंड क्रिएट्स अ टेम्परेचर ऑफ ओवर 2200 डिग्री सेल्सियस इन द बॉयलर। अब इतना टेम्परेचर बॉयलर के वाटर ट्यूब्स में रहे वाटर को हीट करने के लिए काफ़ी है, जिससे स्टीम जनरेट हो सकता है। अब इस बॉयलर से जो स्टीम जनरेट होगी वो अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगी। अब इसी स्टीम को टर्बाइन्स के हाई प्रेशर सेक्शन से ट्रैवल किया जाता है और उससे इतना फोर्स पैदा होता है कि टर्बाइन का शाफ्ट रोटेट करने लगता है। अब इसी प्रोसेस के कारण स्टीम का प्रेशर और टेम्परेचर कम होता जाता है, तो इसी को वापस बॉयलर में भेजा जाता है और उसे रीहीट होने के बाद ये साइकिल कंटिन्यू करने के लिए वापस यहाँ भेजा जाता है। अब इस स्टीम के फोर्स से टर्बाइन शाफ्ट रोटेट होती है, जिससे जनरेटर का रोटर भी रोटेट करने लगता है। इट्स अराउंड 3600 RPM। नाउ दिस रोटर इज लिंक्ड टू एन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर वेयर मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एंड वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड, यानी आपका करंट पैदा हो गया। अब स्टीम को टर्बाइन से कंडेंसर में भेजा जाता है और कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद वाटर में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। दिस कंडेंस वाटर इज हीटेड अगेन टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम एंड यूज इट अगेन। अब आप में से कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अरे सोफिन, बिजली तो पैदा होगी, अभी कंडेंसर में काहे डाल रहे हो, इतना क्यों, हो गई बिजली, काम खत्म, पैसा हजम। तो नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी मेहनत करके, इतना पैसा खर्चा करके जिस कोयले को हमने स्टीम में कन्वर्ट किया और उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ली, अब उसको, उसी स्टीम को ऐसे ही छोड़ दें बिना किसी यूज के? नहीं, उसी को वापस रीसर्क्यूलेट किया जाता है कंडेंसर की मदद से और पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाई जाती है। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कोल इज़ नॉट एन इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी ना कभी कोल ख़त्म होगा
और इसीलिए इसी कोयले को हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए उसका जितने रिसोर्स अवेलेबल है उसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके, इसीलिए कोल से जनरेट हुई स्टीम को वापस यूज़ करते हैं और पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। अब जो वार्म वाटर कंडेंसर से डिस्चार्ज हुआ है उसे कूलिंग टावर के टॉप सेक्शन में पंप करके भेजा जाता है। उसी वार्म वाटर को कूलिंग टावर के अंदर ऊपर से नीचे गिरने दिया जाता है। इसी प्रोसेस के साथ टावर के नीचे से ठंडी हवा को पानी के ड्रॉपलेट्स गिरने के ऑपोजिट डायरेक्शन में सर्कुलेट करते हैं, जिससे हीट ट्रांसफर प्रोसेस कंप्लीट होता है और पानी ठंडा हो जाता है और इसी ठंडे पानी को वापस कंडेंसर में भेज देते हैं। कंबशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कोयले की राख यानी कि ऐश जिसको बोला जाता है वो बॉयलर के नीचे कलेक्ट हो जाता है। इसी ऐश को क्रश किया जाता है ग्राइंडर्स के थ्रू। अब ऐश हैंडलिंग सिस्टम पे फिर कभी वीडियो बनाएंगे, आज नहीं। एंड द लास्ट स्टेज ऑफ अ पावर प्लांट इज ट्रांसमिशन। जो पावर हमने जनरेट किया उसी पावर को ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू बहुत सारी जगह पर भेज दिया जाता है। So that is it for today. This is Swapnil Nanavati signing off from Asli Engineering on Tech Thursday. Comments में बताइए वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना पसंद करेंगे। मैं ट्राई करूंगा उस टॉपिक पे जरूर बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।